नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दूसरे एपिसोड में जहां पर हम बात करेंगे एबल्टन लाइव के इंटरफेस के बारे में। तो चलिए करते हैं लॉन्च एबल्टन लाइव को। नाउ जिन लोगों ने पहली बार एबल्टन लाइव को इंस्टॉल किया है या जो लोग पहली बार एबल्टन लाइव के वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें काम किस तरह से करना है, इसका इंटरफेस किस तरह का दिखता है। तो जब आप इसे लॉन्च करेंगे, ये जो आप स्क्रीन देख सकते हैं ये इसका बेसिक इंटरफेस है, ये ऐसे लॉन्च होता है। नाउ एबल्टन लाइव के अंदर अगर आपको काम करना है तो एबल्टन ने दो इंटरफेसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, या आप उसको बोल सकते हैं कि दो स्क्रीन मोड्स दिए हैं जिनमें आपको काम करना होता है, म्यूजिक बनाना होता है। जो पहली स्क्रीन आप ये देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेशन व्यू। इसका जो दूसरा व्यू होता है वो होता है अरेंजमेंट व्यू, और उसमें जाने के लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। ये हम आ गए अरेंजमेंट व्यू के अंदर। इस चीज़ को आप स्विच कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर टैप प्रेस करके भी। तो अगर मैं अपने कीबोर्ड पर टैप प्रेस करूंगा तो मेरे व्यूज चेंज हो रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेशन व्यू के बारे में। और क्वेश्चन ये भी होता है कि एबल्टन ने दो तरह के व्यूज या दो तरह के इंटरफेसेस क्यों दिए हैं। देखिए, जो पहला व्यू है वो है सेशन व्यू। इसको हम बेसिकली लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए भी यूज करते हैं। तो जो डीजेज होते हैं या जो बंदे लाइव परफॉर्म करना चाहते हैं, ड्रम्स के साथ अपनी वॉइस ओवर करना चाहते हैं, ग्रूव्स प्ले करना चाहते हैं, ये इंटरफेस उनके लिए ज़्यादा उपयोग में आता है या उनके लिए ज़्यादा काम का है। ना उस चीज़ को कैसे करना होता है मैं आपको एक मिनट में बताता हूँ, बट उससे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो स्पेस है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं वर्क स्पेस, इतने वाले एरिया को। जो नीचे वाला स्पेस है इसको हम बोलते हैं प्लग इन स्पेस। प्लग इन स्पेस मतलब यहाँ पर जो भी आप प्लग इन्स यूज करेंगे, लाइक EQ, कंप्रेसर, रिवर्ब, थर्ड पार्टी VST प्लग इन्स, वो सब यहाँ पर आते हैं वन बाई वन। जैसे आप करेंगे वो एक के बाद एक के बाद एक यहाँ पर आते चले जाएंगे। आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं यहाँ पर डबल क्लिक करके, और दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो ये ऊपर भी आ जाएगा। जो हमारा ऊपर वाला एरिया है ये, इसको हम बोलते हैं वर्क स्पेस। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर आप ओपन करेंगे तो वर्क स्पेस के अंदर आपको दो मिडी ट्रैक और दो ऑडियो ट्रैक बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। मिडी ट्रैक का जो यूज़ होता है वो होता है आप जब कॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, आप कोई भी पैटर्न रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने मिडी कीबोर्ड के थ्रू या अपने गिटार के थ्रू या कोई भी एक एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट, हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो वो जो आप रिकॉर्ड करते हैं लाइव वो आपका रिकॉर्ड होता है मिडी के अंदर। ऑडियो के अंदर आप लूप्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जो भी फाइल ऑलरेडी कंप्रेस हुई पड़ी है, ऑलरेडी कन्वर्ट हुई पड़ी है एक ऑडियो फाइल के अंदर, लाइक वेव की फाइल्स आती हैं या कोई भी MP3 सॉन्ग आप डाउनलोड करते हैं, करियोके सॉन्ग या इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग आप डाउनलोड करते हैं, वो हमारा यूज़ होता है ऑडियो ट्रैक के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे बटन्स दिए हुए हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रिड्स या सेल्स, ये वाले जो हैं। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो इंटरफेस है वो लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप में से पहले कभी किसी ने लॉन्च पैड के बारे में सुना हो या देखा हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो ग्रिड्स हैं ये आपके लॉन्च पैड के बटन्स के इक्विवेलेंट होते हैं। तो आप जब यहाँ पर कोई भी सैंपल्स ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं या आप यहाँ पर असाइन करते हैं, तो आप उसको लाइव प्ले कर सकते हैं यूजिंग योर हार्डवेयर कंट्रोलर, जो कि आपका लॉन्च पैड डिवाइस है। जो भी बटन आप प्रेस करेंगे वो क्लिप प्ले होनी शुरू हो जाएगी। नाउ आप एक सीक्वेंस या एक रो के अंदर सारी क्लिप्स को एक साथ भी प्ले कर सकते हैं, आप एक पूरा कॉलम भी यहां से पूरा प्ले कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी लाइव परफॉर्मेंस की बात। तो क्या हम इस इंटरफेस के अंदर या इस स्क्रीन के अंदर म्यूजिक भी बना सकते हैं? जी हां, हम म्यूजिक भी यहां पर बिल्कुल बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप यहां पर जो सारी चीज़ें हैं उनको एक ही बार के अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपने कोई ड्रम का लूप लिया, यहां पर आपने उसके लिए कोई कॉर्ड्स बना लिए, फिर तीसरे में आपने उसके ऊपर कोई वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह से आप पैटर्न बनाते जाते हैं और बाद में आपको उनको अरेंज करना पड़ता है कि आपको इंट्रो में कौन सा जो पोर्शन है वो चाहिए, ड्रॉप के अंदर कौन सा पोर्शन चाहिए, एंड वगैरह वगैरह। अगर आप शुरू से चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं, अरेंज रखना चाहते हैं, तो आपको म्यूजिक प्रोडक्शन का जो काम है वो करना पड़ता है अरेंजमेंट व्यू के अंदर। तो अरेंजमेंट व्यू के अंदर हम दोबारा से जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मेरे पास दो मिडी ट्रैक्स हैं, दो ऑडियो ट्रैक्स हैं। ये मेरा प्लगइन स्पेस है, जैसा कि मैंने बताया, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको चार ट्रैक्स मिले हुए हैं,
नाउ आप इन ट्रैक्स को यहाँ से सिंपली कीबोर्ड के थ्रू डिलीट भी कर सकते हैं या फिर आप राइट क्लिक करके इनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस तरह से, अगर आपको नहीं चाहिए। लास्ट जो ट्रैक है इसको आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको एक ट्रैक तो चाहिए होता है जिससे आप काम करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आपका डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो सिंपलिसिटी के लिए सबसे पहले हम एक ट्रैक लेते हैं, उसके बाद हम ट्रैक्स ऐड करना शुरू कर देते हैं एक के बाद एक, और इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट पूरा बिल्ड होता चला जाता है। नाउ हम बिल्ड कैसे करेंगे या हम नए ट्रैक्स ऐड कैसे करेंगे जैसे कि हमने डिलीट किए थे, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑडियो ट्रैक, तो मेरा एक ऑडियो ट्रैक आ जाएगा। दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट मिडी ट्रैक, तो मेरा मिडी ट्रैक आ जाएगा। जो तीसरा ट्रैक है वो है रिटर्न ट्रैक, इसके बारे में हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर बात करेंगे, इसका भी यहाँ पर यूज आपको समझ में नहीं आ पाएगा तो इसको हम अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो आज हमने बात की कि Ableton Live के कौन कौन से इंटरफेसेज होते हैं, उनका क्या यूज होता है और किस तरह से हम उनके बीच में स्विच करते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने कीबोर्ड को या अपने मिडी कीबोर्ड को अपने Ableton Live सॉफ्टवेयर के अंदर मैप करते हैं।